तो चाहते थे मैं पढ़ाई करूं आगे जाके कुछ सी एस करूँ या एल एल बी करूँ बट मुझे एक्टर बनना था जब मैं बॉम्बे आई तो मेरी वो ड्रीम लाइफ पूरी तरह से चकना चूर होकर टूट चुकी थी कोई इंसान आपसे दो महीने बाद शादी करने वाला है या तीन महीने बाद शादी करने वाला है वो ऑलरेडी सात साल से किसी और को भी डेट करता दो महीने तक वो मेरी रिकॉर्डिंग्स करते रहे दो महीने बाद वो अचानक फिर चले गए घर छोड़ के रिधिमा है मेरी एज ट्वेंटी एट ईयरस ओल्ड एंड मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव भिवानी से बिलोंग करती हूं और बचपन से मेरा सपना रहा है एक्टर बनने का बिकॉज जब मैं छोटी थी तो किताबों से ज़्यादा मुझे म्यूज़िक सुनना डांस करना या अपनी साइंस की क्लास को बंक करके सिंगिंग क्लास में बैठना बहुत अच्छा लगता था जो तो मेरी फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हरियाणा के गांव से बिलोंग करती है तो उनको लगता था नहीं कैमरे के सामने नाचना गाना छोटे कपड़े पहनना ये सब हमारी फैमिली और हमारे कल्चर को बिलोंग नहीं करता है तो उस चीज़ के बीच में ना बचपन से मेरी एक जंग थी तो वो चाहते थे मैं पढ़ाई करूँ आगे जाके कुछ सी एस करूँ या एल एल बी करूँ बट मुझे एक्टर बनना था तो जब भी मैं अपने स्कूल में बेसिकली पार्टिसिपेट करती थी तो मेरी मम्मा मुझे बहुत गुस्सा करती थी कि स्टेज पर डांस नहीं करना एंड टेंथ क्लास में मैंने क्लासिकल डांस में स्टेट अवार्ड लिया था हरियाणा से तब भी मुझे उस अवार्ड के बदले बहुत डांट पड़ी थी घर पे कि मतलब मत करो मत करो तो इन सब बीच में मैं दिल्ली शिफ्ट हुई दिल्ली में जाके मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया प्लस सीएस एस इंटर किया बट फाइनली ना वो एक जंग थी मेरे मन के अंदर कि नहीं यार मेरा मन नहीं लगता था मतलब पढ़ाई में वो एक ज़बरदस्ती फोर्सफुली चीज़ें हो रही थी मेरे साथ फिर मैंने अपनी मम्मा को कन्वेंस करने की कोशिश की बट वो नहीं माने बट मैंने डिसाइड किया नहीं मैं बॉम्बे जाऊँगी और मैं अपनी फैमिली से थोड़ा सा लड़ झगड़ के बॉम्बे आ गई बॉम्बे को लेके मेरी एक बहुत ही डिफरेंट इमेज थी बिकॉज मोस्टली हमने जो बॉम्बे देखा था या हम जैसी लड़कियों ने बॉम्बे देखा था वो टी के स्क्रीन पर देखा था कि बहुत बड़ी सिटी है आप वहाँ जाओगे एक बहुत बड़ी फैशन मॉडल बन जाओगे मतलब एक ड्रीम लाइफ होती है बट जब मैं बॉम्बे आई तो मेरी वो ड्रीम लाइफ पूरी तरह से चकना चूर हो टूट चुकी थी क्योंकि मैंने पाँच साल के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो चीज़ हम टीवी पे देखते हैं वो एक स्क्रिप्टेड लाइफ है उसके पीछे एक अंधेरा है मतलब बैक स्टेज अंधेरा जिसको हम एक्चुअली में रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं सब कुछ देखने में बहुत खूबसूरत लगता है बट उस चीज़ को बनाने के पीछे जो एफर्ट्स होते हैं और जो स्ट्रगल होता है वो लाइफ हम तीन घंटे के स्क्रिप्ट में नहीं देख पाते हैं जब मैं बॉम्बे आई तब मेरा वेट सिक्सटी एट था मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी मैं जाती थी ऑडिशंस के लिए और मेरे को रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा रिजेक्शन्स मिलते थे क्योंकि वो जो सपना था ना टीवी में आने का देखने का उसके पीछे एक मेहनत थी तो मैं जो मेहनत लगने वाली थी ना उससे मैं अवेयर नहीं थी क्योंकि हमें ऐसा लगता था नहीं स्टार किड्स हैं इनको तो बचपन से सब कुछ मिल रहा है तो सब चीज़ें बहुत ईजी होती हैं बट उसमें जब मैंने मेहनत की और जब चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करी तो तब मुझे रियल लाइफ का पता चला नहीं ब्रो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये इतना आसान नहीं होता है मतलब हज़ार लोगों की लाइन में आपको खड़े होकर धक्के खाना प्लस ये जो शहर है वो इमोशनलेस शहर है तो यहाँ पे आपको अपनापन प्यार ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो उन सब चीज़ों से जंग करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है इस शहर में आने के बाद मैंने कुछ वक्त के बाद खुद को बहुत अकेला पाया तो इसी दौरान मुझे एक लड़के से प्यार हुआ एंड वी वर शेयरिंग वेरी गुड बॉन्ड हमारी मैरिज के कमिटमेंट्स हुए सब कुछ हुए वो भी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे इज फ्रॉम इंडस्ट्री और मैं भी इंडस्ट्री में मतलब बाई गॉडग्रेस थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रही थी तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत इमोशनल किया कि नहीं देखो मैं अभी बहुत अच्छा काम नहीं करता हूँ तो शायद मुझे कोई पसंद नहीं करेगा या कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा उनके उन इमोशंस में आके मैंने उस रिश्ते को मतलब कहते हैं ना एक पौधे को उगते हुए पौधे में पानी डाला सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हम लोग एक बहुत अच्छे लिव रिलेशनशिप में रह रहे थे सडनली ना मुझे कुछ डाउट्स होते थे उनके ऊपर कि नहीं समथिंग इज फील कुछ गलत जा रहा है तो एक दिन मैंने उनका फोन छीन लिया एक साल के बाद एंड आई वॉज शॉक कि वो किसी और लड़की को डेट कर रहे थे सात साल से तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि कोई इंसान आपसे दो महीने बाद शादी करने वाला है या तीन महीने बाद शादी करने वाला है वो ऑलरेडी सात साल से किसी और को भी डेट कर रहा है तो मैंने उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट की उनके पेरेंट्स से बात की तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है हम आपकी शादी इनके साथ करा देंगे बिकॉज यू गाईज आर ऑलरेडी लिविंग टुगेदर बट वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और लड़की से सेवन ईयर से कमिट थे उसके बाद जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने मेरे बेडरूम में कैमरे को फिट किया ताकि मैं उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन ना कर सकूँ या अपने राइट्स के लिए फ़ाइट ना कर सकूँ और दो महीने तक वो मेरी रिकॉर्डिंग्स करते रहे दो महीने बाद वो अचानक फिर चले गए घर छोड़ के तो मैंने कॉल करके पूछा यार तुम सडनली क्यों चले गए हो मतलब कहाँ हो तुम तो ही सेट टू मी नहीं मेरा कोई शूट है मुझे तीन महीने के लिए जाना होगा ये वो बट कुछ फिशी था तो मैंने उनसे बहुत मतलब गुस्से से पूछा कि नहीं तुम अपना सारा सामान लेके ऐसे कैसे जा सकते हो तब उन्होंने मुझे बताया कि और कुछ क्लिप्स मैंने अपने ऐसे देखे कि जो उस वक्त पे शायद इट वॉज सेकेंड डेथ फॉर मी कि आप अपने ही बॉयफ्रेंड या होने वाले हस्बैंड के लैपटॉप में अपने ही कुछ वलगर वीडियोस देखते हैं और वो बताते हैं कि अगर आप आपने कुछ भी स्टेप उठाया तो मैंने मार्केट में वायरल कर दूंगा उस जर्नी को मैंने छः महीने बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी तरीके से फेस किया क्योंकि मैं हर रोज़ हर रोज़ ब्लैक मेल हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ वापस मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि पीछे की गलियाँ मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ आगे बढ़ने की मुझ में ना हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे लगता था कि मतलब हर पल हर पल मुझे ना बहुत एंगजाइटीज होती थी बेचैनी होती थी जिस वजह से मेरा काम ऑडिशन मेरी लाइफ मेरा करियर मेरी पर्सनल लाइफ सब कुछ खत्म हो चुका था सो फाइनली मैंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं आई विल फाइट विद दिस तो बोल्डनेस बोल्डनेस जो होती है ना जो आप एक बोल्ड एक्टर बनना चाहते हो वो बोल्डनेस आपके छोटे कपड़ों से नहीं होती है मेरे हिसाब से आपके नेचर वाइज होती है कि आप उठो उस चीज का सामना करो बोल्डली और और हिम्मत रखो तो वो चीज़ें फिर आपकी लाइफ में सॉर्ट हो जाती है तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ मैंने उस चीज़ की कंप्लेन की उस चीज़ से फ़ाइट किया और बाय गॉड ग्रेस आज दोबारा मैं अपने काम पे फोकस कर सकती बहुत टाइम तक मैं सोचती रही कि मैं क्या करूँ मतलब मुझे क्या करना चाहिए मुझे उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए या मुझे फ़ाइट करना चाहिए तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मतलब रोज़ रोज़ टूटने से अच्छा मैं एक दिन बिखर जाऊँ क्योंकि बिखर जाऊंगी तभी तो दोबारा निखर जाऊंगी मुझे कॉल आता है मेरे एक फ्रेंड का कि डायरेक्टर ने तुम्हें ऑडिशन के लिए बुलाया रेडी मैं तुम सेलेक्ट हो और तुम फटाफट जाओ आई गेट रेडी जैसे भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप आता नहीं था बट मेरी एक फ्रेंड थी रूममेट उसने मुझे हेल्प किया और मेरी नज़र में वो बहुत खूबसूरत थी मतलब बचपन से रहा है कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं वहाँ गई सर ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी तो मेरे को याद करने की जो हैबिट है वो बचपन से बहुत अच्छी है मैं कोई भी चीज़ एक बार पढ़ती तुरंत याद कर लेती हूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ बैठी थी और ऑडिशन दे रही थी री, रीड कर रही थी बड़े मज़े से तो मुझे लगा यार ये तो ऑडिशन क्लिक हो गया बिकॉज मैंने याद कर लिया याद करने के बाद जब मैंने ऑडिशन दिया तो दो मिनट के बाद वो सर मुझे साइड में बुला के कहते हैं कि मैम हमें ना आज ही लड़की शॉर्टलिस्ट करनी है तो अगर आपकी कोई और बेस्ट फ्रेंड हो या कोई और फ्रेंड है जो अभी इस टाइम ऑडिशन देने के लिए आ सकती है बिकॉज़ यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड बिकॉज मेरा वेट 68 एट के जी था और मैं अंडर मतलब कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हो तो आप उस चीज़ के लिए तैयारी नहीं करते तो किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे शहर में जो मैं कॉम्पिटिशन लड़ रही थी वो सौ लोगों के बीच में था बट जब मैं बॉम्बे सिटी में आई तो वहाँ पर वही कॉम्पिटिशन लाखों के बीच में था तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए ख़ुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी था और चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी था सो so, मैं हर उस लड़की को मेरे जैसी जो बहुत सारे सपने देखती है एक्टर बनने के तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी बदसूरत भी है तो अगर आप इसकी खूबसूरती देख रहे हो तो इसकी बदसूरती के लिए फिर प्रिपेयर रहिए आपको क्या बनना है उस पर फोकस कीजिए उस चीज़ को लिखिए पेन पेपर पर ख़ुद को रोज़ याद दिलाइए कि मैं यहाँ पर एक्टर बनने आई हूँ या मुझे वेब सीरीज़ में काम करना है या मुझे सीरियल में काम करना है उस चीज़ को मत भूलिए इमोशंस में बिल्कुल मत आइए बिल्कुल प्रैक्टिकल रहिए और अपने करियर पे एक एक स्टेप फोकस कीजिए फैमिली रिश्ते प्यार सब बाद में बहुत आएगा बट जो मेन टारगेट लेके आप यहाँ आए हो उसे मत